एंड वेलकम बैक। काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो गए जिसकी वजह से वीडियो शूट भी नहीं हो पाया और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी भी चल रही थी। सबसे पहले तो स्कैम हो गया थोड़ा, मेरी दीदी से किसी ने मेरी फेक प्रोफाइल बना दी थी इंस्टाग्राम पर, और उसके बाद दीदी ने उस बंदे को मतलब ऐसे करके स्कैम हो गया। फिर उसके बाद बारिश की वजह से कुछ टाइम कि कुछ चीज़ अब की नहीं जिसकी वजह से हो गया। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, वीडियो को आखिर एक तक ज़रूर देखना ऐसा क्या हुआ कि मेरे फेस पे डिसअपॉइंटमेंट है। तो बस पहुंच गए ट्रेनिंग के लिए और मेरे दोनों चीते और ग्रीशु बस आने वाली है, तो ट्रेनिंग कराते हैं और फिर बस चलते हैं। बैठे हुए दोनों, कुछ काम धंधा नहीं, जब तक मैं आऊँगा नहीं तब तक ये लोग कुछ स्टार्ट करेंगे नहीं। और ये लोग, क्या प्यारा मौसम हो रहा है, 5 बजे से धूप भी निकली हुई है। वैसे आज केजरीवाल ने बोला था कि और देख लो मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी वीडियो बनाने में लगा हुआ है, देख लो ये देख। हेलो जी, इसको देख लो, खींचिए मेरी फ़ोटो, अच्छी से फ़ोटो खींचियो। हाँ बहुत बढ़िया है, देखो देख लो, गधों को देख लो, इन गधों को देख लो, इनका ढंग से एक चीज नहीं हो रही है। दोनों आम चलाओ भागते वक्त, शाबाश शाबाश, मीटर खींच, आम चलाओ तेज। तेरी शटल रनिंग हो, 3 रन अपना स्टार्ट स्टार्ट रहा। स्ट्रेच करेंगे तो वीडियो लंबी ना हो, इसकी वजह से मैंने सिर्फ सिंगल बार स्ट्रेच करके दिखाऊंगा आपको। दोनों पैरों को आपको कोशिश करनी है 5-5 बार स्ट्रेच करने का, सेम चीज। देखिए एक बार हो गया, मैं दूसरी बार भी करूंगा क्योंकि
अभी जब आप पहली बार करते हैं ना, तो उसमें जो आपकी ये विंग्स नसें हैं पैर की, ये ओपन अप होती है, मतलब इनको फील होता है कि इनका कुछ स्ट्रेच हो रहा है, तो वो ओपन अप होती है। सेकंड बार में ये अपने आप को स्ट्रेच करती हैं। तो इसी तरह जब आप पांचवी बार करेंगे ना, तो जैसे अभी स्मिट कर रहे थे, इसको खुद ही फील होगा कि पांचवी बार में इसका पैर ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है मुकाबले पहली बार के। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जिम वर्कआउट करते हैं, चाहे आप ग्राउंड वर्कआउट करते हैं, कोई सा भी वर्कआउट करते हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रेचिंग। ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया, तो अभी ये दोनों अपना कूल डाउन करेंगे, फिर मैं भी कूल डाउन एक्सरसाइज करूँगा। तो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरे अराउंड 40 डेज हो गए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया स्कैम वगैरह हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि शाम को ऐसी दीदी विदी के साथ मैं चला गया बाहर, और रात को हो गया काफ़ी लेट, और घर पहुंचा मैं 2 बजे कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सुबह मेरा अलार्म मुझे उठाता रहा और मैं नहीं उठ पाया, और इस तरह से मेरा जो 75 डेज़ का चैलेंज था वो 38 डेज पे आके रुक गया, 38-39 डेज पे आके रुक गया। और रुकने के बाद थोड़ा मतलब बुरा फील हुआ कि काश अगर मैं शाम को दीदी के साथ नहीं जाता तो शायद बच जाता, बट जाना भी साथ में ज़रूरी था, तो थोड़ा गिल्ट में रहा उस दिन मैं पूरे दिन कि अगर उठ जाता, उठने के बाद योगा वगैरह कर लेता, ब्रेकफास्ट करके फिर सो जाता, तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन तो मेरा 75 डेज में यही है कि अगर आपका एक भी चैलेंज अगर आप स्किप कर देते हो तो आप उस चैलेंज से हार जाते हो। तो चैलेंज का मतलब ही यही है। बहुत सब ने, मेरे दोस्तों ने और सब ने सजेस्ट किया कि एक दिन की तो बात है छोड़ दो, एक दिन की तो बात है छोड़ दो, बट ऐसे अगर करूँगा तो फिर मेरा ये, मैं अपने आप से ना इंसाफ़ी कर दूँगा। तो इसलिए मुझे ज़रूरी है कि रिवील भी करना था, तो आज काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहा मेरा। मतलब मैंने ऐसे नहीं कि मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी 75 डेज तक, बट जो 75 डेज का चैलेंज था वो ख़त्म हो गया, और आई विल डू इट अगेन। अभी भी मेरा जो फॉलोअप है वो चल रहा है, तो मैं वीडियोस तो डेज के अकॉर्डिंग ही डालूंगा, लेकिन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई विल काउंट एज डे 1 अगेन।